चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? थ्री ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg, 3 kg एंड 5 kg आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ लाइट स्ट्रिंग एंड आर देन प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन द फिगर। द सिस्टम इज पुल्ड बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, देन द टेंशन T1 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां ध्यान रखना है कि जो T1 और T2 यहां दिख रहा है थ्रेड में जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक 10 न्यूटन का है। तो अगर ये तीनों मासेस को एक मास हम कंसिडर कर लें, जैसे 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 kg का मास कंसिडर कर लें, तो इसमें सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और ये फोर्स की वैल्यू जो है 10 न्यूटन की है, तो बॉडी में एक्सेलरेशन भी लेफ्ट साइड में होगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एमटी इनटू ए, सिर्फ एक फोर्स एफ लग रहा है और टोटल मास कितना हो गया, तीनों का मास ऐड कर दें तो 10 केजी इनटू एक्सेलरेशन, एफ की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन है, तो 10 इज इक्वल टू 10 इनटू ए, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 1 m/s², यानी ये तीनों बॉडीज 1 m/s² के एक्सेलरेशन से तीनों इधर चल रही होंगी। और हमको T1 फाइंड आउट करना है, इस थ्रेड का टेंशन। तो ये जो थ्रेड का जो टेंशन है वो दोनों तरफ लगता है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन है। ब्लॉक लगाएगा, 2 kg का ब्लॉक लगाएगा 3 kg पे लेफ्ट साइड में, और 3 kg का ब्लॉक लगाएगा 2 kg के ब्लॉक पे राइट साइड पे। तो अगर आप FBD बना लो 2 kg का, ये मैं FBD बना रहा हूं 2 kg का, तो F न्यूटन जो 10 न्यूटन का वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है, और थ्रेड का जो टेंशन है वो T1 राइट साइड में लग रहा है, जो 3 kg वाला ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है। बॉडी में एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है, तो कौन बड़ा होगा, 10 इज ग्रेटर देन T1। तो F नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये 2 kg का ब्लॉक है, तो M1 इसको कह दो, इसको M1 कहा, इसको M2 कहा, इसको M3 कहा, तो M1 इनटू A, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 10 - T1 इज इक्वल टू मास कितना है M1, 2 kg इनटू एक्सेलरेशन कितना है 1, तो T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 - 2 इट मींस 8 न्यूटन T1 की वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।